अगर आपको आईपीएल 9 का एलिमिनेटर मुकाबला याद हो तो उसमें भी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने थी। तब डेविड वॉर्नर की सनराइजर्स हैदराबाद ने गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर फाइनल के लिए अपनी राह बनाई थी, लेकिन इस बार गौतम गंभीर ने डेविड वॉर्नर से पुराना हिसाब चुकता कर लिया है। लगातार दूसरे साल कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद एलिमिनेटर में आमने सामने रहे। पिछली बार डेविड वॉर्नर बाजी मार गए थे और इस बार गौतम गंभीर ने पिछली हार का उनसे बदला ले लिया। 2016 में हैदराबाद ने कोलकाता के खिलाफ न सिर्फ एलिमिनेटर का वो मुकाबला जीता बल्कि क्वालिफायर 2 की बाधा लांघते हुए आईपीएल 9 का खिताब भी हासिल कर लिया था। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें अब तक दो दो बार आईपीएल की चैंपियन रही हैं। 19 मई को क्वालिफायर 2 जीतने वाली टीम तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए जोर आजमाइश करेगी, जहां उसका सामना फाइनल में 21 मई को राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।